गाड़ियां हो चुकी हैं स्टार्ट, जाने की हो चुकी है तैयारी, और जाते जाते हम मिलते हैं अपने होस्ट से। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है। बट ये देखिए, ये हिमाचल का बीच है भाई। वेलकम टू अटल टनल। अरे, दूसरे साथी का फोन आया जो गाड़ी पीछे थी, जिनको बार बार होंक कर रहा था। उन्होंने बताया अभी कि उन्होंने उनको हिट करने की भी कोशिश की है। यहाँ हमें एक लोकेशन दिखी है नदी के किनारे, अच्छी लग रही है। टर्न तो ये बन गया एकदम जमी पैनकेक। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, हम यहाँ रुके हुए थे जिगलिंग हाइट्स पे होम स्टे। तो अभी गाड़ियाँ हो चुकी हैं स्टार्ट, जाने की हो चुकी है तैयारी, और जाते जाते हम मिलते हैं अपने होस्ट से। सर थैंक यू। ये बिशन सिंह जी, इनकी बेटी सीमा, इनकी वाइफ, और इतने अच्छे होस्ट हमें मिले हैं, और ये अब तक का हमारा बेस्ट होम स्टे रहा है। जितने भी हम भी मतलब लगभग 10 साल से 8-9 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, होम स्टे में रुकता हूँ, पर ये मेरा अब तक का लाइफ का बेस्ट होम स्टे है। तो हाईली रिकमेंडेड है, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। आप आओगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम यहाँ एक दिन रुकने वाले थे, लेकिन 2 दिन रुक गए इनकी हॉस्पिटैलिटी देख के। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइए। अभी अलविदा कहते हैं और दोबारा मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी आएंगे। तो जी डिस्ट्रिक्ट लाहौल से हम लोग निकल चुके हैं, अभी बढ़ रहे हैं अटल टनल की तरफ। देखते हैं, अभी ऐसे रुकने का प्लान है, एक और लोकेशन देखी हुई है, अगर सब कुछ सही रहा। क्योंकि जैसा आपको पता है, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है, बट उसको अगर फिर सही लगता है तो हम रुक सकते हैं। तब तक आप ये अच्छे अच्छे नज़ारों का लुत्फ उठाइए। निकलने का यहाँ से मन नहीं कर रहा, पर क्या करें भाई, फिर अपने काम धंधे भी हैं, वो भी देखने हैं जाके, तो नहीं जाना तो पड़ेगा ही। तो बने रहिए ब्लॉग में आखिर तक, आगे आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हमारी जर्नी है, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। ये हिमाचल का बीच है भाई, बिल्कुल कितना ऐसे लग रहा है जैसे बीच हो। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, साथ में नदी बह रही है, और ये रेत का एक बन गया टीला सा, बिल्कुल बीच की टाइप लग रहा है, और लोग इस पे ऐसे ही इंजॉय भी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। हम कर रहे हैं एंट्री, अब मनाली के लिए जा रहे हैं, और ये एंट्री हमारी हो रही है, इसका नाम है चंद्रा ब्रिज। ये चंद्रा ब्रिज से एंट्री होके हम जाएंगे नॉर्थन पोर्टल से एंट्री मारेंगे इस अटल टनल के। वेलकम टू अटल टनल। अब हम वो हम निकलने वाले हैं साउथ पोर्टल से, और हमारे पीछे गाड़ी ने हॉर्न बजा बजा के परेशान कर रखा है, जबकि यहाँ सारे में लिखा है नो ओवरटेकिंग अलाउड, और इतनी जगह भी नहीं है कि ओवरटेक की जा सके, और हम बिल्कुल लिमिट में चल रहे हैं, पर उन्होंने बहुत ज्यादा एकदम से बार बार होंक किया जा रहा है। पता नहीं पढ़ा लिखा है या नहीं, अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से आएगा भी, क्योंकि उसको इतनी जल्दी। हाँ वो जो है टैक्सी नंबर है, और वो HP का ही होगा जरूर, पुलिस इधर है भी नहीं ना उस साइड। अरे नहीं, दोनों साइड अभी कोई चेकिंग वैकिंग हो नहीं रही है ना। हाँ सुबह सुबह कम ही होती है। हाँ पब्लिक इधर भी काफी है। लो जी आगे हम अटल टनल के दूसरी तरफ, मतलब ऐसे होता है एक दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में आ जाते हैं तुरंत, सिर्फ 10-12 मिनट में 15 मिनट में। बड़ी गंदी चलाते हैं यार यहाँ के टैक्सी वाले, मोड़ों पे भी ओवरटेकिंग करते हैं, मतलब इनका तो बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग है यहाँ, क्योंकि इनके भाड़े के चक्कर में, फटाफट इनको चक्कर मारने के चक्कर में।
और दूसरों को बोल देंगे आप तो बीच में थे ना, आपको ड्राइविंग की गलती निकाल देंगे कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है, कि बाहर वालों को यहाँ ड्राइविंग नहीं आती। लेकिन भाई जब तुम मोड़ पे ओवरटेक करोगे, रूल फॉलो नहीं करोगे, तो भाई फिर तो दिक्कत आएगी ड्राइविंग में कोई भी हो। तो भाई सेफ ड्राइव करें, रूल्स को फॉलो करें। गवर्नमेंट ने रूल्स हमारे सेफ्टी के लिए बनाए हैं, ठीक है, उनको तोड़ के कोई हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं बना लेंगे, हमारे लिए नुकसान ही है जितने हम रूल तोड़ते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए जाम लगता है। अदरवाइज तो रोड इतनी अच्छी है कि जाम लगने का मतलब ही बिल्कुल नहीं है। जाम भी है और दूसरा सेफ्टी पर्पस से भी है। ये टैक्सी वाला है जो कब से ऑन बजाता है, HP01K5346 और बहुत ज्यादा तेज चला रहा है, बहुत ज्यादा जी। HP01K5346 बहुत गंदी गंदी। और पीछे उसमें भी टनल में भी इसने पो 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 लगा रखी थी। और दोस्तों अभी अभी पीछे से हमारे दूसरे साथी का फोन आया जो गाड़ी पीछे थी, जिनको बार बार होंक कर रहा था, उन्होंने बताया अभी कि उन्होंने उनको हिट करने की भी कोशिश की है, जो कि बहुत गलत चीज है। भाई हम तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं और वो रूल तोड़ने के साथ साथ हिट करने की भी कोशिश कर रहा है। दोस्तों जैसा भी हम आपको बता रहे थे, हमारी दूसरी गाड़ी को बार बार हिट करने की कोशिश की थी, तो उस रिगार्डिंग हमने अभी BRO से बात की है, अटल टनल में जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था, तो BRO वालों ने बोला है कि ये पुलिस का मैटर है। अब देखो ये तो उनका, हमें नहीं मालूम किसका मैटर है, क्योंकि अटल टनल में वो बदतमीजी कर रहे थे और बड़ी गंदी रैश ड्राइविंग कर रहे थे। और उसमें अभी मैंने जब उनसे उतर के बात की अपने साथी से, तो उन्होंने बताया उसमें 4 लड़के थे, जो वो इनको धमकी भी देके गए हैं कि आप आगे आइए, आगे हम आपको देखते हैं। भाई अगर ऐसे, मेरी सबसे विनती है हिमाचल वालों से भी, भाई चाहे आप प्राइवेट गाड़ी चला रहे हो, चाहे येलो नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे हो, भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए रोड पे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, सब रूल फॉलो कीजिए। भाई अगर ऐसे आप हमें धमकाएंगे बाहर से आने वालों को, तो भाई यहाँ पे क्या टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, घूमने के लिए, देखने के लिए आपकी खूबसूरती यहाँ की, पर अगर खूबसूरती के साथ साथ आपकी तहजीब भी हमें देखने को मिले। हाँ सब एक जैसे नहीं है, कोई 100 में एक ऐसा निकलता है जो इस तरह का व्यवहार करता है, पर एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें। और हिमाचल टूरिज्म से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं, कोई ऐसे करता है तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। लो भाई हम आए एक नई लोकेशन की तरफ, ये लोकेशन हमें अभी कहाँ देखते हैं, कैसी नई लोकेशन है बिल्कुल हमारे लिए, कहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी, कहाँ खड़ी होगी, देखते हैं। अभी ये जगह देखी थी, ठीक है जगह अच्छी है, बट थोड़ा वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा था, ट्रैक्टर वैक्टर से काम कर रहे थे, तो अभी वो जगह अवॉइड करी, आगे देखते हैं ढूंढते हैं कोई जगह। भूख लग रही है यार, जल्दी करो, खाना भी बनाना पड़ेगा। हाँ खाना बनाते हैं वहीं पे रुक के अपना फटाफट। देखो अभी तो हमें किचन लगानी है, किचन लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना, फटाफट किचन लगा के खाना बनाते हैं। यहाँ हम करेंगे चाय नाश्ता और फिर आगे के लिए निकलेंगे। ये बिल्कुल नदी के किनारे ही है। ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ, एक ये इधर अपना गिल सर की गाड़ी खड़ी है, और यहाँ भी हम बनाएंगे अपना ब्रंच। हम खोल रहे हैं अभी अपना पिटारा, इसमें से निकालते हैं एग। सही है, लो जी एग निकल गए हैं, बनेगा पैनकेक। ऊपर से देख के उठाना कभी बेटा, ये साइड से निकल जाए तो गिर सकते हैं। हाँ एग भी बनेगा, हाँ तुकले के बिना। हाँ
हाँ जी, ये यहाँ हमें एक लोकेशन दिखी है नदी के किनारे, अच्छी लगी। यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं अभी, ये उसका नाश्ते के लिए सामान हम निकाल चुके हैं, निकाल रहे हैं, और बनेगा केक। ये शब्द आप मिर्ची खाओगे किसको? वो आँखा चे लग जूगी। हाँ ये हो गया अभी, इधर हमारा भी पिटारा खुल चुका है। ये हमारा वॉशरूम टेंट लग चुका है क्योंकि बच्चों को वॉशरूम जाना है उसके लिए। और ये साथ में यहाँ पे नदी बह रही है देखिए, और कितना इधर जंगल जंगल का एरिया पूरा जबरदस्त। और नाश्ता देखिए हमारा किस टाइम बन रहा है, 11 बजे, 11 बजे हम नाश्ता बना रहे हैं। तो जी एग और पानी का मिक्सचर, इससे बन रहा है बैटर। कैसा बनेगा? थोड़ा दूध का मिक्सचर होता है लेकिन हमारे पास। अच्छा दूध का, तो दूध वो बना देते पाउडर वाले? नहीं नहीं वो नहीं ठीक रहेगा, इससे पानी कुछ और। और पानी, चलो आज ये नया हो जाएगा, दूध से हर बार बनाते हैं, आज पानी से बना के अलग टेस्ट आएगा कुछ तो। यहाँ पे हमारा एक ये भी है कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो भाई, कुछ तो अच्छा निकल के आएगा। करना नहीं पता। हाँ बेटा टर्न। तो ये बन गया एकदम जमी पैनकेक, तो अभी इसको करते हैं टेस्ट बनने के बाद। रेंज आ गई तो देखो, ये देखो बच्चे नेट, यहाँ पे नेट मिलते ही इनको सबसे पहले किस में लग गए? गेम खेलने में, गेम। ओके, और आप दोनों क्या हो? बंदर और बड़े बंदर हो? मैं छोटा बंदर हैं। ये देखो भाई, छोटा बंदर बड़ा बंदर बन गया, बड़ा बंदर छोटा बंदर बन गया, और अब इन दोनों बंदरों ने इतना धमाल मचा रखा है। वो बंदर तो फोन नहीं देखते, बंदर तो पेड़ पे चढ़ते हैं। ओहो ले भाई, हाँ धमकी मिल गई है भाई बच्चों से। ये देखिए गलती पूरी लिमका की थी, वो खुला बैठा रहा यहाँ पे, बोल नहीं पाया बेचारा, और गिर गया। तो आगे से लिमका कंपनी से हम रिक्वेस्ट करेंगे बोल कर बताया जाए। ये टेढ़ा है पर मेरा है। तो भाई ये कट रहा है हमारा, इसके स्लाइस काट रहे हैं हम, ताकि स्वाद थोड़ा पिज्जा जैसा भी आए हमें। पैनकेक को देसी पिज्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये हमारा देसी स्टाइल है, जैसे बाबूराव का स्टाइल है, ये उधम सिंह का स्टाइल है। लो जी अब कट गया, अब अपने एक स्लाइस उठाओ। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हो गया। किसका हो गया जी? पैनकेक का। पैनकेक का हमारा नाश्ता हो गया, और नाश्ते के साथ साथ हम अपना जो कर रहे हैं बाकी का सब पैकिंग की तैयारी। और बच्चे देखो, बच्चे खेलने में मस्त है यहाँ पे, ये देखो बारी बारी से यहाँ पे खेल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जम खेल रहे हैं। देखो ये वहाँ तक जाता है, पहाड़ी तक भाग के आता है, फिर ये रुकेगा, अभी इसकी बारी, ये जाएगा। ये देखो पता नहीं इन्होंने कौन सी, इन्होंने तो यहाँ हमारे साथ घूम घूम के नई नई गेमें भी ईजाद कर ली हैं। तो भाई इनको हम अपने से ज़्यादा दूर तो जाने नहीं देते, ये ऐसे ही खेल सकते हैं। बिल्कुल आसपास में मंडराते रहते हैं बस, क्योंकि पूरा वॉच रखना पड़ता है बच्चों का। अभी तो सब ठीक है, अगर कहीं हम बिल्कुल इंदर जंगल चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे एनिमल्स का भी होता है, लेपर्ड वगैरह का। तो जैसे नारकंडा में भालू का खतरा था, शोबरा में लेपर्ड का खतरा था, जंगली बिल्ले थे उस जंगल में, तो वहाँ पे तो फिर पूरी वॉच रखनी पड़ती है बच्चों की। ये देखो हमारा खाना बच गया था, तो हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। हमारे पास आ चुकी थी एक गायें, इनको दे देते हैं। लो जी गाय ने खा लिया है, हमने कुछ भी वेस्ट नहीं करते, बेचारी इन गायों को कुछ मिल गया खाने को, यही बहुत है। तो नाश्ता हो गया है, गाड़ियाँ पैक हो चुकी हैं, ये देखिए गाड़ियाँ हमारी पैक हो चुकी है, ये वाली भी। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे हमने खाना खाया था, पूरा कचरा उठा लिया है, और अब गाड़ी, इनकी गाड़ी निकलवा देते हैं यहाँ से। थोड़ा सा रोड के हम किनारे ही थे, ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। ये निकल गई है इनकी गाड़ी यहाँ से,
चलिए अब हम भी निकाल लेते हैं, हम भी यहाँ से ले लेते हैं, हैं। निकल रहे हैं घर के तरफ। बिल्कुल जी, और माउंटेन को छोड़ के। हाँ, माउंटेन को छोड़ के अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और ये हमने गाड़ी रोड की तरफ घुमा दी। नाश्ता बढ़िया हो गया आज, ब्रंच। चलो जी अब चलते हैं आगे, आगे भी आपको रास्ते की अपडेट दिखा देते चलेंगे। चेरी, चेरी, चेरी। वाइफ यहाँ से लेने गई है चेरी। मम्मा। उनको एक लोकल यहाँ पे शॉप दिख गई रोड के किनारे, उन्होंने कहा कि चेरी ले लेते हैं। अब वो चेरी के साथ साथ और बहुत कुछ उठा लाएंगे। मम्मा, एक छोटे वाला जूस भी ले लेना, वो रखे। और ये देखिए हमारे निहित की तो फरमाइश से पूरी नहीं हो रही है। दिन सर का फोन आ गया, उनका फोन लेके अभी करते हैं आपसे बात। मैडम ले आई है, एक तो है अपना कुमानी और चेरी। तो ये कुमानी भी कुछ अलग लग रही है। हाँ, ये अलग वैरायटी है, ये कोई और वैरायटी है। कह रहा है इसका बादाम निकलेगा मोटा, कोई भी जो है वो बादाम। ठीक है, चलो देखते हैं। आम वो कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, ये वही वाली चीज है। राजमा 250 रुपए किलो, बहुत महंगा है।